इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक 10 अंकों की संख्या है जिसमें अक्षर और संख्या शामिल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भारत में आयात या निर्यात का व्यवसाय शुरू करने के लिए अनिवार्य है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक पैन आधारित रजिस्ट्रेशन है, इसलिए एक पैन के आधार पर विदेशी व्यापार के महानिदेशक केवल एक ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जारी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक यूनिक संख्या है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को भारत भर के सीमा शुल्क और DGFT के सभी कार्यालयों में पहचाना जाता है। सामान्य तौर पर सभी आयात और निर्यात किसी अन्य प्राधिकरण लाइसेंस या अनुमति के बिना किए जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्र हित में या व्यापार या किसी विशिष्ट वस्तु को ट्रेड करने के लिए केंद्र सरकार कुछ सामानों के आयात या निर्यात पर निषेध या प्रतिबंधित कर सकती है। यदि आप किसी ऐसी वस्तु का निर्यात करना चाहते हैं जो प्रतिबंधित है, तो निर्यात या आयात के विशिष्ट कारणों को समझाते हुए लाइसेंस के लिए आवेदन या आयात करने की अनुमति DGFT को दी जा सकती है। आपके एंटरप्रेन्योर के हर चरण पर सेट इंडिया बिज आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विषय संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमें बिना किसी संकोच के कॉल करें 9899600605 पर या ईमेल करें help@setindiabiz.com पर या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.setindiabiz.com पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता कब होती है? किसी भी आयात या निर्यात का व्यवसाय शुरू करने से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता होती है। जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक कोई आयात या निर्यात शुरू नहीं किया जा सकता है। जारी करने वाला अथॉरिटी DGFT के क्षेत्रीय निदेशक के पास व्यवसाय के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है जो सभी प्रकार के आवेदकों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आवंटित करती है। पैन आधारित रजिस्ट्रेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक पैन आधारित यूनिक संख्या है और एक पैन नंबर से DGFT केवल एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आवंटित करता है जो पूरे भारत के लिए मान्य है। कोई रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भारत में आयात या निर्यात का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्ति को आवंटित एक स्थायी पहचान संख्या है और ये कभी समाप्त नहीं होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए स्टेप बाय प्रोसेस। डिजिटल सिग्नेचर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आवेदन Class 2 में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन दायर किया जाता है। आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का वैध DSC होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों को तैयार किया जाता है। सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और मोहर लगाया जाता है। उसके बाद इसे JPG या PDF में स्कैन किया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए एप्लीकेशन की फाइलिंग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के आवंटन के लिए आवेदन DSC के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है। सूचना प्रस्तुत करने और अनिवार्य स्वतः सत्यापन दस्तावेजों को अपलोड करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जारी करना। DGFT के क्षेत्र निदेशक आवेदन की जांच करते हैं जो आगे की जानकारी या दस्तावेजों के लिए कह सकते हैं। अंत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आवंटित किया जाता है। Set India Biz. Business begins here.